Hi friends, welcome back. Pak media crying as India slapped Pak on Kashmir issue. चलो देखें वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को भरपूर जवाब. कहा जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था ना कभी होगा. अच्छा। भारत ने कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है. तो एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में आतंकी फैक्ट्री की चाबी लिए घूम रहे पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ दुनिया के मंच से रोना धोना शुरू किया. फिर क्या था, भारत ने यूनाइटेड नेशन की भरी सभा में पाकिस्तान की वो जोरदार धुनाई की कि अब वो घबरा गया है. यू कॉल्ड पाकिस्तान योर नेबर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म. बट आई डिड इट अगेन टुडे विदाउट यूजिंग द वर्ड Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. आप कैसे देखते हैं, एक तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है. थार साहब, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका में है लेकिन किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत में उनसे मुलाकात नहीं हुई. पाकिस्तान भारत का जो ताल्लुकात हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और इसमें ये कहना कि पाकिस्तान ले तो लाल से काम ले रहा है या हम भारत के साथ अमन नहीं चाहते या हम ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है एक लिहाज से. दिल ज्यादा मतलब नहर में कूद के मर जाए, कभी कभी दिल जाता टावर से गिर के मर जाए, कभी कभी जा रहे रक्षा चलाते जा रहे रक्षा ही मार दें किसी के अंदर, इतने आवाज आ रहे हो गए. इतनी नाउम्मीदी क्यों है, तो पाकिस्तान में रह क्या गया, इसने ऐनक पहन लिया स्टाइल के लिए दिखाने के कुछ लिए रह गया? कुछ नहीं रह गया. सो ओरिजिनली बड़े चालू बड़े चालू लोग एक फॉरेन पॉलिसी यही है, जहां से पैसा मिलता है हम उनके साथ अटैच होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस. और इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है आपके इकोनॉमिक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में. जय हिंद दोस्तों. दोस्तों बहुत मजाक की बात है कि कोई यूएन और यूएसए जाता है तो वहां बातचीत करता है. पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग अटेंड करने के लिए यूएसए गए. अब यूएन मीटिंग अच्छा पता होगा क्या बात की इन्होंने. यूएन मीटिंग में पाकिस्तान का एक ही बात होता है कश्मीर. इन्होंने कश्मीर पे यही सब कहा कि कश्मीर में बहुत जुलम हो रहा है, कश्मीर ऐसा है वैसा है. कश्मीर में बात बोली जो ये पिछले 76-75 सालों से बोल रहे हैं तो पूरे यूएन को पता था यही बोलने वाले. इसके बाद अब इनसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं. पूरा पाकिस्तान जो वहां पे गया आइसोलेट हो गया ये डिप्लोमेटिक तौर पे, कोई इनसे एक बायलेटरल टॉक करने के लिए भी तैयार नहीं है. और ये पाकिस्तान का जोक बन गया, अरबों रुपए वहां पे खर्च हो गया दौरे पे लेकिन जाके भाई साहब दिन रात वहां पे सो रहे खा रहे. 7 दिन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फॉरेन मिनिस्टर और जो गए हैं यूएसए में जाके खा सो रहे हैं. अब ऐसे में जो भारत के जो जयशंकर है साहब है उन्होंने जाके पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पे लताड़ा भी, आतंकवाद का एपिसेंटर भी कहा और बहुत से मुद्दे पे और भी प्रोग्रेसिव बात हुई भारत और यूएसए और अदर देशों को लेकर. भाई पाकिस्तान आइसोलेट, पाकिस्तान के पीएम वगैरह खास हो रहे हैं, मैंने बताई दिया आपको. क्योंकि भारत को अगर आप देखिए तो भारत इस खत्ते में एक बड़ा मुल्क है और तो जब आप बड़ा मुल्क होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं. अच्छा। पहले तो इस बात का आप जायजा ले लीजिए कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात खराब हैं क्यों. अगर 1948 से आप ऑनवर्ड्स या 47 से अक्टूबर 47 से ले लीजिए तो जम्मू और कश्मीर एक बाहर तनाज़ा जो उस वक्त हमें नज़र आता है लेकिन पिछले 75-76 सालों में बहुत से और भी इश्यूज ऐड हो गए हैं इस हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप में, जो इरिटेंट्स कह लीजिए आप, इश्यूज कह लीजिए, लेकिन बुनियादी जो नुक्ता है या डिस्प्यूट है वो जम्मू और कश्मीर ही का है. उसी की वजह से हमने 48 में भी जंग लड़ी, 65 में भी हमने जंग लड़ी. जो तमाम जितनी भी हमारी म्यूचुअल अदावत है उसका शाखसाना जम्मू और कश्मीर ही है. तो मैं अपने भारत के दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि आप भले कुछ भी कह लें, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दें जिसने आपने भी कहा, दहशत गर्दी के मामलात में भी अगर पाकिस्तान को आप एक्यूज कर लें, ये मामला ठीक नहीं हो सकते, ना ही हमारा बाहमी एतमाद कायम हो सकता है. हम हमेशा एक कदम आगे जाएंगे फिर 2 कदम पीछे हो जाएंगे फिर मामला वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने शुरू किए थे. तो बेहतर यही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ संजीदगी के साथ बैठे और जम्मू और कश्मीर के तनाजे को
कश्मीरों की सियासी उमंगों के मुताबिक हल करने की कोशिश करे, वरना ये रिलेशनशिप जिस तरह मैं देखता हूँ, मेरी जो असेसमेंट है, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं सकता। जो कुछ भी आप कर लें उसमें आप ये कहना कि पाकिस्तान नहीं करना चाहता या भारत नहीं करना चाहता, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि वक्त आ गया है कि अगर हमने, जिसने आपने कहा कनेक्टिविटी पाकिस्तान नहीं देता भारत को, उसकी वजूहात हैं कि हम क्यों नहीं भारत को एक्सेस देते अफगानिस्तान पे। म्यूचुअल हॉस्टिलिटी होती है, बामी एतमाद नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल दूं कि अगर एक ट्रक या कंटेनर सामान लेकर आ रहा है भारत का, एक्सपोर्ट जा रही है थ्रू पाकिस्तान वाघा के थ्रू, और वो लाहौर से आते आते पिशावर पहुंचती है, वो खुदा ना खासा इस दौरान उस कंटेनर के साथ कुछ हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ और चीज हो जाती है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो जब तक एक म्यूचुअल ट्रस्ट कायम नहीं होता, उस ईमानदारी की ऑनेस्टी की बात, ऑनेस्टी से पूछे तो मुझे नहीं लगता कि भारत चाहता है कि जम्मू और कश्मीर को अपनी टर्म्स पे रिजॉल्व करे। और इसका हमने देखा 5 अगस्त 2019 को भारत ने यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के खिलाफ, शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ, लाहौर डिक्लेरेशन के खिलाफ, आप कुछ भी उठा के देख लीजिए उसके खिलाफ वर्जी करते हुए, चुपचाप सुन रही है उसको, वो बिल्कुल एक हिसाब से। और भारत का भी ये एरोगेंस हुबरिस है, और एतमाद है कि वो जम्मू और कश्मीर के मामलात को इस तरह ठीक कर लेगा, तो देखते हैं। आइए तो अब कश्मीरी खुद बताएंगे कि उन्होंने आया एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, और वो अपनी जद्दोजहद को किस तरह आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सर हमने तो ये देखा कि वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, जिस वक्त 370 और 35A हटाया गया था तो पाकिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं की गई, इमरान खान की गवर्नमेंट थी और बिल्कुल खामोश रहे, किसी किस्म का कोई बात या कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट या कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि हाँ ठीक है हर फ्राइडे को वो कहते थे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए और इस किस्म की चीजें हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साथ साथ जो हमारे आर्मी चीफ थे पहले उन्होंने कहा कि हम 10 से 20 साल के लिए जो है ये कश्मीर इशू को साइड पे रख दें और उसके बाद भारत से बाकी चीजों में बात करें, चाहे वो ट्रेड हो या कुछ भी, हमें नहीं करना। सर वहां पे जो डेवलपमेंट शुरू की है जिसमें बहुत सी गल्फ कंट्रीज का भी हाथ है और वो भी उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो देखकर तो यहाँ के जो हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहां के लोग भी कहते हैं कि जी हमने तो भारत के साथ मिल जाना है क्योंकि वहां पर इतना कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ तो जो रोड्स हैं वो तक सही नहीं बनी हुई, तो हमने दिया क्या है अपनी साइड पे कश्मीरियों को। और जहां तक आप करारदाद की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, तो सर उसमें तो लिखा है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा खाली करे, अपनी फौजें बाहर निकाले, उसके बाद ही वहां पर रेफरेंडम होगा या उसके बाद ही लोगों से पूछा जाएगा कि किसके साथ रहना है या कहां जाना है, तो पाकिस्तान तो फौज ही नहीं निकालता बाहर। अच्छा आपने दो सवाल किए, जब आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ, क्योंकि भारत में भी ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान ने खुद अक़वामे मुत्तहिदा के करारदादों पे अमल दरामद नहीं किया और वो भारत से ही तकाजा करता है कि प्लेबिसिट वहां पे करवाया जाए। देखिए जिस करारदाद का आप रेफरेंस दे रही है, ये 13 अगस्त 1948 की करारदाद है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये याद रहे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद नहीं है, जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP की करारदाद है 13 अगस्त 1948 की। इसमें बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं कि कहा गया था कि पाकिस्तान आजाद जम्मू और कश्मीर से अपनी फौजों को और जो भी ट्राइबल्स वहां थे उनको वहां से विड्रॉ करे। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस रेजोल्यूशन को, अगर आप पूरा UN का सिक्योरिटी काउंसिल का रिकॉर्ड पढ़ें, पाकिस्तान ने कभी भी इस रेजोल्यूशन का तस्लीम नहीं किया। हमारे बहुत से तहफात थे इसके बारे में, इसलिए हम दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वापस गए कि जी हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जो ही हमने अपनी विड्रॉ की तो हमें खदशा है कि भारत दोबारा आजाद जम्मू और कश्मीर पे कब्जा कर देगा। प्रोपेगेंडा देखो कितना अच्छा किया हुआ है, हम ये किया वो किया। अभी इनको लगता है कि ये मतलब काफी इन कंपैरिजन आ सकते हैं इंडिया से, इंडिया जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा ये लोग खुद ही कंपेयर करना बंद कर देंगे, और जब इतना ज़बरदस्त चेंज होएगा, अगर इनका कोई भी बंदा इंडिया आता है और इंडिया उसे लगता है कि फॉरेन कंट्री है, तो वो कंपेयर करना ही बंद कर देंगे, बोलेंगे अब कंपेयर करने का फ़ायदा नहीं है, इतना ह्यूज डिफरेंस हो गया इंडिया और पाकिस्तान में, फॉरगेट इट।
नहीं, मैं तो सुन के मुझे तो मेरा तो खून खौल रहा था भैया। पता नहीं आप लोगों का खौलता है कि नहीं खौलता, कि मैं ही हूँ एक जिसको इतना गुस्सा आता है इनकी बातें सुन के। और मुझे तो ये इस बात पे गुस्सा आता है कि कैसे इनोसेंट इंडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग ऐसे टॉक्स करके। वो जो लेडी जो माइक लेके आई थी, कभी ऐनक नहीं देखी हमने हैं कितनी, अब ऐनक पहन के ये लोगों इनके, मैं तो ये देख रहा हूँ कितने बड़े एक्टर हैं ये लोग, बना हुआ है किस तरीके से लोगों को चूना लगाने, कैसे 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 बेवकूफ बना रहे हैं इंडियंस, बनते जा रहे हैं। पता नहीं, काश मेरे में इतना पावर होती कि जो जो इंडियंस इनको देखते हैं मैं कुछ कर सकती हूँ उनके उनके अगेंस्ट। पर एनीवे क्या करें, होप तो बस यही है कि बस अपना इंडिया जो है स्ट्रांग बने, पावरफुल बने, और ऐसी कंट्रीज जो है कांपे हमारे सामने जब ऐसे। अभी तो बोलने की हिम्मत पड़ रही है ना, इसके बाद हिम्मत भी खत्म हो जाए। तो चलो अभी शेयर ना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।